तो ये हमारी सब्लिमेशन मशीन है, इसको अब हम ऑन करते हैं। ये हमारी सब्लिमेशन मशीन है, इसको ऑन करते के साथ ही ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होने लगेगा। अभी ये टेम्परेचर इसका 71 है। इसको टेम्परेचर को सेट करने के लिए इसमें ये देखिए यहाँ पे चार बटन दे रखे हैं, इसमें से ये मोड का बटन है, इसको प्रेस करते हैं तो ये सबसे पहले ऊपर वाली लाइन टेम्परेचर के लिए, ये मिनिमम टेम्परेचर इसका 350, जैसे किसी कोस्टर को प्रिंट करना तो उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर 350 को सेट करेंगे। उसके बाद में 350 मिनिमम सेट करने के बाद में मैक्सिमम टेम्परेचर भी 350, इसको हम यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। इसे अभी हम इसको 351 रख देते हैं। फिर दोनों मोड सेट करने के बाद में टाइम सेट करेंगे, ये टाइम का है, इसको भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ये दो बटन इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अब इसको हम 60 सेकेंड के लिए सेट कर लेते हैं, तो अभी ये 94 तक अभी टेम्परेचर पहुँचा, जब ये 350 पहुँच जाएगा तो ये बीप की आवाज़ आने पर हमें ये बटन प्रेस करेंगे तो अभी इसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से इसको टाइम सेट कर सकते हैं। ये वापस हम देखने के लिए 350 मिनिमम सेट किया, ये मैक्सिमम और ये टाइम 60 सेकेंड। उसके बाद में लास्ट में ये बटन को प्रेस करने के बाद में ये टेम्परेचर कितना है 8% उसका बता देगा। तो इस प्रकार हम आसानी से इसको टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लगा के इसको और इसको प्रेशर को सेट करने के लिए हमें दे रखा है यहाँ पे ये, इसके जरिए हम प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट है। जैसे कपड़े का प्रोडक्ट है तो हमें इसको प्रेशर को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके थ्रू हम ज़्यादा कर लेंगे इसको। ये यहाँ से प्रेस करने से हमें आसानी से पता लग जाएगा कि यहाँ कितना ताकत लगाने की हमें ज़रूरत है उसकी अकॉर्डिंग, तो ये इस प्रकार हम सेट कर सकते हैं।